चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। जीवन में सबसे बड़ा कर्ज होता है मां का कर्ज। इस कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन हां, हम सबकी एक मां और है, धरती मां। धरती मां का कर्ज हम चुका सकते हैं। कैसे? वृक्ष लगाकर। आइए मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती मां का कर्ज चुकाएं। 135 करोड़ लोगों से बॉलीवुड एक्टर्स क्यों कर रहे हैं गुजारिश, हवा आने दो। जी हां, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस साल पर्यावरण दिवस का थीम वायु प्रदूषण रखे जाने के मद्देनजर केंद्र सरकार का फोकस भी दिल्ली NCR सहित देश के सर्वाधिक प्रदूषित 102 शहरों पर ही रहेगा। यूं तो स्वच्छ वायु अभियान के तहत इन शहरों में प्रदूषण दूर करने के उपायों पर बहुत पहले से काम चल रहा है, लेकिन अब सरकार की कोशिश जन जागरूकता बढ़ाने पर भी रहेगी। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा ही। बॉलीवुड की जानी मानी शख्सियतों की मदद से तैयार ऑडियो वीडियो विजुअल की भी मदद ली जाएगी। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वायु प्रदूषण का आलम यह है कि देश भर में 92% लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। हालांकि 2024 तक PM2.5 और PM10 को 20-30% घटाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ई कचरा, पौधारोपण, प्लास्टिक कचरा, सार्वजनिक परिवहन, ईंधन और प्राकृतिक स्रोतों को बचाने से संबंधित विषयों पर 12 ऑडियो और 19 वीडियो क्रिएटिव भी तैयार किए जाएंगे। ज्यादातर 30 सेकंड से 5 मिनट तक की समयावधि वाले होंगे। रेडियो और टीवी पर इनके प्रसारण से जन जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए 2 जिंगल फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज में रिकॉर्ड किए गए हैं। बुधवार को मंत्रालय में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर ही आधारित एक थीम गीत हवा आने दो भी लॉन्च किया गया। 3:33 के इस वीडियो में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, गायक शंकर महादेवन और शान सहित कई अन्य कलाकारों का भी सहयोग लिया गया है। इस थीम गीत में सभी स्वच्छ हवा की अहमियत का संदेश देते हुए नजर आते हैं। CPCB की ओर से वायु प्रदूषण पर एक डायलॉग और पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित करने का शेड्यूल भी बनाया गया है। इसके अलावा CPCB वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक मोबाइल वैन भी तैयार करा रहा है। इस वैन का औपचारिक उद्घाटन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही होगा। इस वैन की मदद से दिल्ली NCR के उन इलाकों में भी वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी की जा सकेगी जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं लगे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 5 जून को ईद की छुट्टी होने के बावजूद विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस का एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। इसमें व्याख्यान और चर्चा सत्र होने के साथ साथ ही पर्यावरण पर आधारित फिल्मों की एक प्रतिस्पर्धा भी घोषित की जाएगी। क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन बृहस्पतिवार शाम को हुआ है, राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में अतिथि 1-2 दिन बाद तय किए जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।